शिवपुरी कनिया धाना नगर परिषद सीएमओ विनय कुमार भट्ट इस कोरोना महामारी काल में खुद नगर की गलियों को सैनिटाइज करते हुए नजर आ रहे हैं एवं लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे लोग सुरक्षित रह सकें और इस महामारी से बच सकें। आपको बता दें, अपनी परवाह न करते हुए 24 घंटे लगातार ड्यूटी पर तैनात असली कोरोना योद्धा विनय कुमार भट्ट लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में कोरोना को पैर पसारने की जगह न दी जाए। नमस्कार, पीवीसी न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं नगर परिषद खनिया धाना से सीएमओ श्री विनय कुमार भट्ट जी, जिन्होंने इस महामारी काल में नगर की गलियों में खुद जाकर सैनिटाइज का कार्य किया है। आज कराते हैं आपको ऐसे शख्स से रूबरू। सर, कोरोना महामारी को लेकर किस प्रकार की तैयारियाँ की गई हैं नगर में आपके द्वारा, जिससे नगर सुरक्षित रह सके? ये एक विश्वव्यापी महामारी है, जिसको लेके नगर परिषद द्वारा विशेष तैयारियां की गई थी। हमारे प्रशासक एवं अनुविभाग अधिकारी महोदय श्री सिकरवार साहब के नेतृत्व में हमने शहर को पूरे अच्छे तरीके से सैनिटाइज करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इसके अलावा जन जागरूक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, किस तरह से बार बार हाथ धोए जाएँ और किस तरह से हम इस महामारी से बच सकते हैं। सर, जो राशन किट वितरण किए गए आपके द्वारा, वह किस फंड से आए आपके पास और नगर में कितने परिवारों तक पहुंचाया गया राशन? राशन के संबंध में दो जगह से हमें, दो मदों से प्राप्त हुआ था। एक तो सांसद निधि से हमें किट प्राप्त हुए थे, लगभग 350 जो गरीब जो परिवार थे उनको वितरित किए गए। इसके अलावा हमें लगभग 55 क्विंटल गेहूं प्राप्त हुआ था, जो कि 10 किलो प्रति परिवार के मान से हमने गरीबों में वितरित कराया है। लगभग 500 परिवार इस तरह के। सर, नगर को कितनी बार सैनिटाइज किया गया सर नगर परिषद द्वारा? नगर परिषद द्वारा हर एक एरिया में मतलब रोटेशन पॉलिसी के तहत हर दिन सैनिटाइज किया जाता है कि कम से कम 72 घंटे बाद उस स्थान का फिर से बारी आ सके। सर, नगर परिषद किस प्रकार कार्य कर रहा है जिससे आम नागरिक सुरक्षित रह सके नगर? हम बस जागरूकता कार्यक्रम निरंतर इसमें चला रहे हैं। मुनादी के माध्यम से बाजार कैसे संचालित किया जाना है, सब्जी मंडी कैसे संचालित की जाती है एवं स्पॉट फाइन भी इसमें किए गए हैं जो लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा जन जागरूक कार्यक्रम जो सरकार चिन्हित किए थी उनको भी हमने संचालित किया है। सर, कई लोगों की शिकायतें हैं कि नगर को सैनिटाइज नहीं किया गया, यह बात किस हद तक सच है? कुछ क्षेत्रों से हमें ये शिकायत मिली थी कि हमारे एरिया में सैनिटाइजिंग नहीं हुआ, तो वहाँ उस जगहों को हमने चिन्हित करके फिर से वहाँ सैनिटाइजिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की। इसके अलावा तो संपूर्ण शहर में निरंतर सैनिटाइजिंग की प्रक्रिया जारी है। सर, जिन समाज सेवियों ने आपका स्वागत अभिवादन किया, ऐसे समाज सेवियों को क्या कहेंगे? उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने इन हमारे कर्मचारियों का, जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की और निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र एवं नगरवासियों को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे जिससे वह इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रह सके? इसमें मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि केवल जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलें। सरकार द्वारा जो आदेश लगातार दिए जा रहे हैं, जो गाइडलाइन दी जा रही है, उसका नियमित रूप से पालन करें और इस संबंध में मैं यही कह सकता हूँ कि इसकी पूरी जानकारी होना ही हमारा बचाव है। अगर ये बीमारी फैलती है तो हम शायद विपरीत परिस्थिति में भी जा सकते हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जारी गाइडलाइनों का पालन करें। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, नगर परिषद सीएमओ श्री विनय कुमार भट्ट जी को, जिनकी जनता से अपील है बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, घरों में ही रहें, अति आवश्यक कार्य से ही घर से बाहर निकलें, खुद सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें।
कैमरामैन रवि सेन के साथ भरत साहू, पीवीसी न्यूज, शिवपुरी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।